क्या फोन में लगे हुए? रखते फोन को, मुझसे बात कर लें। अरे यार, एक पुराना दोस्त ऑनलाइन मिल गया, उससे बात खत्म कर लूं फिर तुमसे बात करता हूँ। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, उधर मशन और इधर आप। जिसको देखो फोन में लगा हुआ है, इंसानों के लिए इंसानों के पास टाइम नहीं है। अरे वाह, इस तरह तो मैंने कभी पहले सोची नहीं। कमाल का आइडिया दे दिया अशरा ने बातों बातों में। सच पूछो तो अशरा तुम हो बड़ी इंटेलिजेंट। और पता है मुझे कुछ सामान भी मंगवाना था, कोई मुलाजिम या ड्राइवर है तो प्लीज उसको भेज दो, सामान ला देगा। नहीं, वो ड्राइवर तो छुट्टी पे चला गया ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। ऑर्डर किया था यार, लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ स्टॉक है। मशल, तुम्हें जो मंगवाना है तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं ला देता हूँ। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ला दूँ। अच्छा ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। वैसे तो ऑफिस से आकर आप थक जाते हैं, आपको रेस्ट करना होता है, लेकिन आज आप थके नहीं। मना कर दें, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अरे कैसे मना कर दूं, दोस्त है ना वो तुम्हारी, अगर उसे कुछ कहूंगा तो बाद में तुम्हें शिकायत होगी। एक काम करो, तुम भी साथ चलो। अरे तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ, तैयार हो जाओ, साथ चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, ये ड्यूटी आप ही दे लें। सुल्तान, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी हैं चीजें, और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, अगर मार्केट की तरफ जाना हो तो प्लीज ये भी ले लेना। यार एक काम करते, तुम मेरे साथ ही चल लो। क्योंकि मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, असरा तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे घर में काम है, तुम दोनों जाओ। अच्छा तो चले, लेट्स गो। वो कल मैंने अपने घर वालों को डिनर पे बुलाया, शान के रिजल्ट आया ना, इस खुशी में। चलो गुड, कौन कौन आ रहा है? अम्मा, भाभी और शान। सरवर भाई नहीं आ रहे? नहीं, वो बिजी हैं। चलो ठीक है, देख लेना, अगर घर में कुछ बनाना है तो ग्रोसरी मंगवा लेना, बाहर से ऑर्डर करना हो तो मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगा। क्यों, मेरे साथ ग्रोसरी करने नहीं चलेंगे आप? अशरा, अब तुम ज्यादती कर रही हो, तुम्हें पता है सबके सामने इज्जत रखने के लिए बोलना पड़ता है, और अगर तुम्हें एतराज था तो तुम उस वक्त क्यों नहीं चल रही थी हमारे साथ? क्योंकि मुझे लगा कि आप खुद ही इनकार कर देंगे। नहीं क्या इनकार, बोल दिया, अब क्या करूं? कुछ मत करें, वही करें जो हमेशा करते हैं, नाराज हों और यहां से चले जाएं। दूसरों के दिल का, दूसरों की खुशी का इतना ख्याल है, और बीवी की खुशी का जरा ख्याल नहीं। आप रुको, चल, तुम्हारी अम्मी आ रही हैं घर पे, तुम क्या चाहती हो, उनके आने से पहले एक नया झगड़ा खड़ा करना चाहती हो?
मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती, बस दिल की बात बता रही थी। अच्छा मूड ठीक करो, कल मैं ऑफिस से जल्दी करूंगा और तुम्हें ग्रोसरी कराने के लिए अपने साथ लेके जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस। थैंक यू। अब तुम मुझे एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी पिला दो प्लीज। ओके। वादा तो कर लिया, अब क्या बहाना बनाओ? ससुराल वालों की शक्ल भी नहीं देखनी मैंने। हाँ भाई, बहुत अच्छी खुशबू है। लो शायन। आंटी आप भी प्लीज कुछ लेना। ये बेटा बस मैंने काफी ले लिया। हो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस चलो शुक्रिया। आंटी बिरयानी तो डाली नहीं आपने? अरे बस बेटा, बस बस, थैंक यू। बेटा बहुत मजे का खाना बनाया तुमने, क्या खुशबू है, क्या मजा है। थैंक यू अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को तो देख के मेरा दिल खुश हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले। ये तो इतनी सारी गाड़ियां देख के मैं खुद अंदर आ गई कि जरूर असरा के घर से कोई मिलने आया है। शायान के पास होने की खुशी में असरा ने ये दावत दी है। वाह, वैसे बड़े अफसोस की बात है, मेरी अपनी दोस्त के घर में दावत है और मुझे इनवाइट करना तो दूर, मतलब मुझे बताया भी नहीं है। हाँ भाई, सच में तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है ना। अरे भाई, अपनों को बुलाया थोड़ी जाता है, वो तो खुद ही आ जाते हैं। अच्छा चलो, मेरी तरफ से दावत कबूल करो और बैठ जाओ। अच्छा शाबाश, जरूर जरूर, व्हाई नॉट। शांति, आपको देखे ना मुझे मेरी मॉम याद आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह प्यार से बुलाना, ऐसा ही प्यारा चेहरा, वैसे ही प्यार करना। आप बस मेरे घर चले, मैं बहुत सारी खिदमत करूंगी आपकी। कैसी बातें कर रही हो मशद, तुम और अम्मा की खिदमत करोगी? खुद उठकर एक गिलास पानी तो तुम पीती नहीं, अम्मा की क्या खिदमत करोगी? क्यों झूठ बोल रही हो अज़रा? मशल बेचारी इतना काम करती, याद नहीं है उस दिन जब इसने हमारी दावत की थी कितना लजीज खाना बनाया था। इनफैक्ट तुम्हारे साथ दोस्ती भी तो निभाती है। और जरा सोचें, असरा के प्यार में मैंने सुल्तान से भी दोस्ती कर ली।